हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुष्मिता गौतम पे आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पनीर टिक्का और मशरूम टिक्का, और उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमारा जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है पनीर, और हमें साथ में चाहिए मशरूम, और ये है कुछ प्याज और शिमला मिर्च, नींबू, और साथ में हमें घर के जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो चाहिए, और चाहिए हमें मैरिनेशन के लिए कर्ड। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, अभी हम तो जो है जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाएंगे, उसमें थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर लेंगे। होममेड ही बनाएंगे हम, इसमें जिंजर और गार्लिक थोड़ा सा जितना आपको चाहिए टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें, और इसे हम फिर कर लेंगे ग्राइंड, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अभी हम पनीर और मशरूम की मैरिनेशन कर लेते हैं। उसके लिए जो जो हमें सामान चाहिए हमने सारा रख लिया है। ये मशरूम है, पनीर है, और हमारे पास लंबी कटी हुई शिमला मिर्च है, प्याज भी है, और ये दही है जो हमें मैरिनेशन के लिए चाहिए, चाट मसाला है, बाकी सारे स्पाइसेस हैं, और ये है हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट, उसमें ग्रीन चिली भी है, और साथ में नींबू। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पास से दिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले हम इसमें दही ऐड करेंगे, हमारा हाफ दही था क्योंकि हमें मशरूम और पनीर दोनों करने हैं, तो इतना क्वांटिटी हमें चाहिए होगा दही का। और इसमें अब हम ऐड करेंगे, हमने जो ये मसाले हैं पहले वो ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा ये हमारा धनिया पाउडर है वो ऐड कर लेंगे, और इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली। आप इसमें कश्मीरी रेड मिर्च भी डाल सकते हो कलर के लिए, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, और हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के लिए चाट मसाला। हमने ये अपने सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो। पूरा अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और इसमें हम पनीर, मशरूम, शिमला मिर्च सब चीज को पूरा अच्छे से मैरिनेट करके रख देंगे। तो आप देखते जाओ, मसाला हमारा अभी हो गया है कंप्लीट। अभी हम ऐड करेंगे इसमें जो हमने प्याज को कट किया था और शिमला मिर्च को कट किया था, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें पनीर। हम मशरूम भी इसमें एक साथ ही ऐड कर देंगे, वैसे आप दोनों की मैरिनेशन अलग अलग से भी कर सकते हो, बट हम एक साथ ही कर देंगे। और बाद में हम इसमें, ये काफी बड़ा नींबू था तो उसका हमने आधा पीस ले लिया है, और इसे हम इसमें स्क्वीज कर देंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि हमने इसमें चाट मसाला भी डाल दिया, तो अगर हम ज्यादा ही डाल देंगे तो थोड़ा उसका टेस्ट जो है ज्यादा ही खट्टा खट्टा सा हो जाएगा। तो हमने इसमें सिर्फ आधा नींबू ही ऐड किया है, और हम इस मसाले को अभी हाथ से
अच्छे से सारे जो हमारा मटेरियल है उसके ऊपर लगा देंगे कि ये अच्छे से मैरिनेशन हो जाए, इसमें सब चीजों में मसाले का जो टेस्ट है अच्छे से आ जाए। अभी हमने सारा मसाला जो है पूरा अच्छे से मैरिनेशन करके रख दिया है। इसे आप अराउंड आधा पौना घंटा रखो, 1 आवर तक रख सकते हो मैक्सिमम, मिनिमम आप 30 मिनट्स तो रखो कि इसमें अच्छे से मसाले ऐड हो जाएंगे। फिर जब हम पकाते हैं तो उसमें बहुत सही से फ्लेवर आते हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इसको अच्छे से रखना है। तो अभी हम इसको अराउंड 45 मिनट्स तक रख देते हैं ढक के। तो गाइस जो हमने मैरिनेशन करके पनीर और मशरूम को रखा था उसे अराउंड 45 मिनट्स कम्प्लीट हो गए हैं, तो अभी हम इसे रोस्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम इसको सीक पे लगाते हैं, तो आपको दिखा देते हैं पास से हम कैसे भरेंगे इसमें। सबसे पहले हम लगाएंगे प्याज, फिर लगाएंगे इसमें ढूंढ ढूंढ के शिमला मिर्च, और फिर हम इसमें लगाएंगे पनीर। हम पनीर वाली अलग से भरेंगे और जो मशरूम है वो अलग से भरेंगे। तो आप ऐसे भी, आप वो भी एक स्टिक मिलती है वुडन वाली, आप वो भी ले सकते हो, मार्केट से मिल जाती है। ये हमने बर्तन वाले शॉप से ली थी, ऐसी भी अगर आपको चाहिए तो ऐसे भी मिल जाती है, कुछ ज्यादा महंगी भी नहीं आती, 200-250 रुपए की मिल जाती है। तो हम इसे ऐसे सेम प्रोसीजर हम करते जाएंगे, पहले सबसे पहले प्याज, फिर शिमला मिर्च, फिर पनीर, और फिर हम मिलते हैं जब इसको हम पकाना स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको हम पूरा भर के रख लेते हैं। तो गाइस हमने ये स्टिक पे लगा लिए हैं, अभी प्रोसीजर चल रहा है और भी लग रहे हैं, तब तक हम इनको पकाने के लिए रख देते हैं। तो हम इसको गैस पे ही पकाएंगे क्योंकि सबके घर पे एयर फ्रायर या फिर ओवन ऐसा चीज अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इसे बनाएंगे इजी कि आप सब भी इसको बना के खा सको। तो गैस के ऊपर हमने ये रख लिया जिसके हम पतीला वगैरह रखते है ना, तो ये रख लिया हमने गैस के ऊपर, और इसके ऊपर इसको डायरेक्ट हम रख देंगे ऐसे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो हमने दो गैस चलाई है, दोनों पे रख देंगे अपने स्टिक्स, और इनको हमने अच्छे से पकाना है जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। और इनके ऊपर हम लगाएंगे अमूल का बटर, तो जैसे इसे ऐड करते हैं फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसा लगता है, तो स्टे ट्यून, हम देखते हैं कैसा बन रहा है। तो देखते हैं हम पनीर टिक्का हमारा कैसा बना है, देखने में तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था और खाने में भी गाइस ट्रस्ट में बहुत ही टेस्टी था, साथ में ग्रीन चटनी भी थी। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, जितना वीडियोस को प्यार देते रहोगे मेरे में मोटिवेशन आता रहेगा कि मैं आपको रेसिपी वीडियो लेके आती रहूँ। बाकी आप कॉमेंट में बता दिया करो आपको कौन सी रेसिपी चाहिए। बाय बाय।